इतना महंगा टिकट है कौन देखेगा लेगा भाई। हाँ बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म लाइन के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक फिल्म बनी है। चुप, बहुत अच्छी फिल्म थी, क्रिटिक्स के ऊपर फिल्म थी और कुछ कुछ कैमियो भी देखने को मुझे मिले, अध्यमन सुमन और अमिताभ बच्चन जी का। बहुत दिनों के बाद सनी पाजी को देखने का मौका मिला, हैट्स ऑफ सनी पाजी एंड दिलकर सलमान, हैट्स ऑफ टू यू ऑलवेज। एंड कहानी में एक नया मोड़ था, एक नई सीरियल के लिए की कहानी थी, मज़ा आ गया देख के। मतलब कि कह नहीं सकते किसी कहीं किसी फिल्म की कॉपी थी, बट मज़ा आया देख के। हाँ अनएक्सपेक्टेड था पूजा भट्ट जी को देखना उस फिल्म के अंदर में, एक नया लुक, नया गेटअप के साथ में, नई एक्टिंग, नई शुरुआत, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहूँगा कि पूजा भट्ट जी प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू कीजिए, अपने अपने कैरेक्टर्स को, अपने रोल को, बहुत अच्छी कहानी थी। आर बाल्की जी तो बिल्कुल, आर बाल्की जी तो बिल्कुल ही एकदम कहते हैं ना क्रिएटिव हैं, बिल्कुल एकदम नई नई कहानी लेकर आते हैं, अच्छा काम करते हैं। हैट्स ऑफ टू यू ऑल्सो सर। फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक फिल्म मेकर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है कि ऐसी कहानियों को मार्केट में लाया जाए जो एक ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। मैं दूंगा 5 में से 5 स्टार दूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, और मतलब ऑनेस्टली फिल्म बहुत अच्छी लगी। शेर कितनी भी दिन गुफा में रहे वो दहाड़ना नहीं भूलता, आई नो ही इज अ एवरग्रीन एक्टर, तो फैबुलस एज यूजुअल, शी इज आल्सो फैबुलस। एक्चुअली सर पूरी मूवी का सबसे अच्छा मुझे जो लगा है इसका कॉन्सेप्ट, और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है, और जितनी अच्छी स्क्रिप्ट है उतना ही बेहतर इसको डायरेक्शन मिला है। एंड नो डाउट ये सारी चीज़ों को जो पर्दे पे खिलकर आती है वो है एक्टिंग एंड म्यूजिक। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट म्यूजिक बहुत साइलेंट है और बहुत अच्छा है, सूट कर रहा है, नो बोरिंग, और पूरा टाइम स्क्रिप्ट ने, डायरेक्शन ने, एक्टिंग ने, म्यूजिक ने हमें बांध कर रखा था। इट्स अ नाइस, इट्स अ फैबुलस। हाँ एक्टिंग बहुत अच्छी उनकी, एक्चुअली ये उनकी फर्स्ट, मैंने उनकी ये फर्स्ट मूवी देखी है, लेकिन इज अ नाइस एक्टर रियली। मूवी का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो चूज़ किया गया है थोड़ा डिफरेंट है, और उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया है सीरियल किलर का, तो इट्स अ नाइस ट्रीटमेंट, और जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है, जो उसका स्क्रिप्ट है, उसको बहुत अच्छे से डायरेक्शन मिला है, और म्यूज़िक बहुत अच्छी है, और नो डाउट एक्टर ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। 3.5 हमको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए एक तो आर बाल्की का डायरेक्शन है, इतनी अच्छी तरह से डायरेक्शन दिया है, और हीरोइन का रोल, हीरो का रोल इतना नेचुरल है, लगेगा एकदम मैंने आप बात कर रहे हैं, लगेगा नहीं कि मूवी देख रहे हैं। ये बताइए क्या कहने की कोशिश की फिल्म के माध्यम से? कहने की तो देखिए क्रिटिक है और ये पिक्चर बनती है, रिव्यू आते हैं, हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग को नहीं पता था। आज इतने सालों बाद पता चला कि रिव्यू का इफेक्ट कितना लंबा होता है। ये बताइए कि जो सनी देओल का एक्टिंग है और पूजा भट्ट में जैसे 90s में आपने पढ़ा था एक्टिंग, वैसी एक्टिंग है, कैसी एक्टिंग है? देखिए सनी देओल अब एजेड हो गए हैं, लेकिन उनका पुलिस का रोल है तो क्रोप में बहुत अच्छे लगते हैं। वो सेक्रेटरी का रोल की है उसने, डॉक्टर का, वो ठीक है, उतना मतलब वो नहीं है। मेन रोल हीरोइन का है जिसने बहुत अच्छा रोल किया है। श्रेया, श्रेया, श्रेया बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरे हिसाब से आज तो 5 में 5 दूंगा, इतना दिल खुश हो गया है। काफ़ी अच्छी थी यार, मतलब एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी, एक अलग थी यार, सनी देओल नहीं थे एक अलग। पूजा भट्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया, जिस तरीके से वो साइकोलॉजिकल डॉक्टर बनी थी वो काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने भी। रिया की कहानी
नहीं है वो, शी इज रियली गुड यार। स्कैम के बाद तो मतलब एक शी इज लाइक अ न्यू जेम फाउंड। दिस फिल्म इज अ प्ली, अ काइंड ऑफ कह सकते हैं, या फिर एक जो एक डायरेक्टर होता है उसकी फिल्म जो होती है वो उसका बच्चा होता है। एक फिल्म को लिखने में कई लोगों को एक साल भी लगता है, कई लोगों को 10 साल लग जाता है। जैसे रंग दे बसंती को बोल रहे ना, काफ़ी टाइम बाद बनी थी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। सो वही वाली बात है यार, एक इंसान ना जब फिल्म बनाता है ना तो पूरा खून पसीना और सब कुछ एक करके एक फिल्म बनाता है, और जब लोग निकल के आते हैं ना तो एक ही बार में अरे हाँ अरे यार आप थोड़ा तो समय दो यार। मतलब ये कोई खाना नहीं है कि एक घंटे में बनाए, ये फिल्म है, इसको इंसान ने एक साल दिया है। तो आप जब उसको जज करते हो, बिल्कुल आपको हक है, पैसा दे के जज कर रहे हो ना, पर उसको मर्डर मत करो उसका। ये तो यार मतलब आई वॉज टम्ड सर ने बहुत अलग ही काम कर दिया। मतलब चीनी कम और मतलब उनकी हर एक फिल्म थी, की इनका भी इससे पहले थी, तो वो मतलब लाइक सर इज लाइक रियली गुड यार, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये उन्होंने जो और एक स्पेशली जो उन्होंने बनाई ना, वो एक ऐसा कहानी कह दी कि हाँ भाई मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ। मतलब उन्होंने सबके भी यहाँ पे एक फिल्म बना दी कि भाई ये भी है, देखो फिल्म मेकर की आर्ट को समझो, पहचानो, वो ऐसे ईजिली नहीं बनते। हम लोग ईजिली रिस्पेक्ट नहीं करते एक्टर्स और इन लोग, क्यों, कुछ कारण है ना कि आर्ट वाले फील्ड में आप हो, हम सब है, हम क्यों क्रिएटिवली है ना जो क्यों रिस्पेक्ट करते, क्योंकि उसमें समय लगता है, उसमें बनाने में टाइम लगता है। तो अगर आप उसको इंजॉय कर रहे हो तो उसको वैसे ही बताओ, पसंद आई तो बोला हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, नहीं पसंद आई तो ये चीज़ गलत थी, पर जो वो डिजर्व करती उसको वो चीज़ दो। अनजाने में अरे हाँ, सिंस कोई एक्स है तो बोल दिया बहुत अच्छी है, या फिर उसमें एक्स नहीं है तो उसको बोल दिया अरे हाँ अगर एक्स होता तो बहुत अच्छी होती, वो नहीं होता है। फिल्म फिल्म होती है, आप उसको अच्छा और बुरा जैसी है वैसा बोलो। चार, बहुत बढ़िया फिल्म लगी, मर्डर मिस्ट्री पे पिक्चर है ये, एक नम अलग हट का स्टोरी है, और पूरी फिल्म आदमी को बांध के रखती है, निगाहें इधर उधर नहीं होती। सन्नी साहब को तो जवाब नहीं, कहने वाली उनके को बात ही नहीं है, एक नंबर स्टोरी डायरेक्शन उनकी एक्टिंग है। किनकी जवाब भी नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी भी, और जो नए लड़का लड़की आए उनकी बढ़िया एक्टिंग है, बहुत बढ़िया। मर्डर मिस्ट्री पिक्चर है, जो फिल्म के बारे में गलत सलत बोलते हैं, रिव्यू देते हैं, उनके ऊपर पिक्चर है ये। मैं तो 5 में से 5 दूंगा, बहुत बढ़िया। मैं अभी चुप देख के आ रहा हूँ, इट्स एन अमेजिंग फिल्म। बीइंग अ सिनेमा लवर, हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें, और सनी पाल जी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। बड़े ज़माने बाद उनको एक ऐसे किरदार में, हम बड़े एंग्री रोल्स तो देखते हैं, इसमें सूझबूझ का काम था, तो उन्होंने बाकायदा बहुत ही काबिल तारीफ है उनकी एक्टिंग जी, उनकी एक्टिंग भी बड़ी कमाल की लगी। सो मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा इनके राइटर की और इनके डायरेक्टर की। राइटर ने क्या कमाल की स्टोरी ढूंढ निकाली है, बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली बात है। बिकॉज बड़ी कोशिश होती है फिल्म बनाने वालों की कि एक अच्छी फिल्म दर्शकों के लिए लेके आए, बट क्रिटिक्स क्या होता है कभी कभी, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छी फिल्म के बुरे रिव्यूज़ दे देते हैं, बुरी फिल्म के अच्छे रिव्यूज़ दे देते हैं, चाहे पैसों के लिए या व्यूज़ के लिए। सो उस स्टीरियोटाइप, उस चीज़ को तोड़ने के लिए, और उस जो गलत रिव्यूज़ देते हैं, गलत क्रिटिसाइज़ करते हैं फिल्मों को, उनके मुंह पर ये चुप फिल्म जो है करारा तमाचा है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म है। सलमान और श्रिया नए आर्टिस्ट हैं, श्रिया का एक्टिंग का तो काफ़ी तारीफ कर दिया जी, बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। मैं बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी भी, बिकॉज उन्होंने बहुत ही कमाल का मतलब हर एक फ्रेम में उन्होंने जान डाली है। आर बाल्की सर ने भी बहुत कमाल का काम किया है। सो इट्स एन अमेजिंग वर्क, सभी लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया है, बिकॉज सबकी मेहनत मिलती है तब जाके एक अच्छी चीज़ बन के निकलती है। एंड मैं आउट ऑफ 5 दूंगा, इट्स माय पर्सनल रिव्यू, आउट ऑफ 5 दूंगा हर एक चीज़ के लिए, एक्टिंग के लिए, सारे एक्टर्स ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है, डायरेक्शन बड़ा कमाल का, राइटिंग तो मैं 5 में 10 दे दूँ, मतलब कमाल।
थैंक यू थैंक यू. It's nice because I mean I can't review my own film because I'm a part of the film. Yeah, Sunny Deol is anytime good because he's back and we were too excited for it. So everybody will love the film because it's thriller, it's love and it's suspense. So go guys, go and watch the film. First day for show. It's houseful and I'm loving it. Pardon? Chup, because I won't review my own film. How was the film? फिल्म काफ़ी अच्छी लगी. बहुत टाइम बाद एक अलग टाइप की फिल्म देखने को मिली है तो काफ़ी रिफ्रेशिंग था ऑन स्क्रीन ये इस टाइप की स्टोरी को देखना. एंड जैसे हम लोग भी फिल्म देखने के बाद रिव्यू करते हैं वैसे ही यहाँ फिल्म भी जो है वो कुछ फिल्म रिव्यूअर्स और उनके साथ जो होता है एक सीरियल किलर द्वारा उसके ऊपर है. काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मज़ा आया देख के. दोनों के काफ़ी फ्लैट कैरेक्टराइजेशन था टू बी ऑनेस्ट. कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, कोई भी एक अलग एंगल नहीं था उनके कैरेक्टर में. तो दोनों ने अपना काम ठीक किया. पूजा भट्ट जो है उनका काफ़ी जो उनकी पर्सनालिटी को सूट हो वैसा उनका कैरेक्टर था और उन्होंने अपना काम ठीक किया. नॉट डैट मैं बहुत तारीफ करूँगा, बहुत ही एक डिसेंट उनका काम था वो उन्होंने कर दिया. सनी देओल जो थे वो मतलब वी लव सनी सर और उनको बहुत टाइम बाद स्क्रीन पर देखकर बहुत अच्छा लगा. पर जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सनी देओल हैं तो एक बार तो कुछ चिल्लाएंगे, एक बार थोड़ा अग्रेशन देखने को मिलेगा, वैसा नहीं हुआ. कैरेक्टर काफ़ी टोन डाउन और मेलोड डाउन है तो वो थोड़ा सा मुझे वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुआ. बट वी लव सनी सर और उनको देख कर हमेशा अच्छा ही लगता है. श्रेया इस फिल्म की सबसे बड़ी स्टार है, उनको देखकर आपको लगेगा नहीं कि वो एक्टिंग करती हैं. हमने स्कैम 92 में भी देखा है कि वो इतनी फैबुलस एक्टर हैं कि जो भी कैरेक्टर में घुसती है ऐसा लगता है कि वो उसे अडैप्ट कर लिया है, लगता नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है. तो इस फिल्म में भी वो एक इतनी नेचुरल परफॉर्मर लग रही हैं, आपको लगेगा कि ऐसी लड़की आपके शायद आजू बाजू ही रहती हो, आप रोज़ इनसे मिलते हो. तो सुपर्ब एक्टिंग बाय श्रेया धन्वंतरी. दुलकीर जो है उनके कैरेक्टर के दो शेड्स हैं. एक शेड मुझे बहुत अच्छा लगा जो इनोसेंट सीधा सदा लवर बॉय है, वो उसमें दुलकीर बहुत अच्छे सूट हो रहे हैं. उनका स्क्रीन प्रेजेंस जो होते हैं काफ़ी क्यूट लग रहे हैं. उनका जो कैरेक्टर का सेकंड अवतार है वो थोड़ा सा मुझे वीक लगा, वहाँ पे मुझे लगा कि वो कम्प्लीटली जस्टिस नहीं कर पाए उस रोल में. थोड़ी डायलॉग डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हुआ है, जो उनका जो मैनरिज्म है उसमें थोड़ा सा वीक लगे. बट ओवरऑल काफ़ी यंग बॉय है, वी लव दुलकीर एज वेल एंड देन आई एम श्योर ही विल डू वेल. थैंक यू. मूवी बहुत ही अच्छी है. आई थिंक आर बाल्की अपनी छाप फिर से छोड़ गए हैं, चाहे वो पा मूवी हो या पैडमैन हो या इंग्लिश विंग्लिश हो. वो एक बहुत ही बेमिसाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर हैं और ये मूवी का जो नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं तो वो अपनी छाप एक बार फिर से छोड़ गए. सनी देओल का बहुत ही रिस्ट्रेंड करेक्टर, इतना ठहराव है उनके रोल ने. पहली बार ऐसा रोल, मतलब ही इज़ द हेड ऑफ क्राइम ब्रांच, तो उन्होंने अपना रोल बिल्कुल सटल तरीके से निभाया. हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छा लगा उनके इतने टाइम के बाद देखे. पूजा भट्ट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका भी रोल क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, और उनका रोल छोटा है सेकेंड हाफ में, बट ज़ेनोबिया का किरदार उन्हें अच्छे से निभाया. बहुत मज़ा आया उनके. अरे श्रिया को हमने स्कैम 1992 में देखा था और मुझे लगा था कि मूवी में उनका कैसे रोल होगा क्योंकि ट्रेलर देख के पता नहीं चलता, बट उन्होंने अपना रोल इतना नेचुरली, इतना एफर्टलेसली प्ले किया, बिल्कुल नॉट इवन वंस ओवर द टॉप, बहुत अच्छे से, बहुत ही सटल रोल है उनका. आई थिंक ये मूवी बियॉन्ड स्टार्स है, सभी किरदारों ने बहुत कन्विक्शन, दुलकर सलमान ने अपना रोल बहुत कन्विक्शन से निभाया, तो दिस मूवी इज़ बियॉन्ड स्टार्स. क्रिटिक्स शुड इंट्रोस्पेक्ट.